अपर मुख्य सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग दीपक त्रिवेदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में खनिज पदार्थों के संबंध में चर्चा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी KVJN पांडियन, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, खनन अधिकारी अर्जुन कुमार, CRO चंद्रशेखर मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव ने पट्टे की भूमि पर किए जा रहे खनन को ऑनलाइन प्रक्रिया में जोड़ने के निर्देश दिए तथा कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे सभी चीजें एक पटल पर दिखाई दे। उसके पीछे जब हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमेशा पिछले साल कर से मैं देखता हूँ, हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के चिंता का विषय होता है जो रही है कि उसको हम लोग किस तरह से इस अधिक मार्केट में मिनरल्स आ सकते हैं, मतलब उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी वजह से उसका पालन नहीं हो रहा है और अभी तक जो रिलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं पब्लिक को वो अभी तक नहीं हो पा रहा। तो आज ये उनका मेन विषय कोशिश ये था कि मेरे बात करने के साथ साथ आपको एक विवरण भी दिखा दें सो दैट आपके माइंड में तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो लेट अस होप कि वो भी जल्दी शुरू हो जाएंगे, तब तक आई एम स्टार्टिंग ऑन। आज ये सिंगल वन स्टॉप गेटवे एक कॉमन प्लेटफॉर्म खनिज विभाग की तरफ से जनता के लिए जो भी सुविधा उपलब्ध है वो एक सिंगल विंडो के तहत मिले। साथ साथ हम लोगों की तमाम सेवाएं जैसे पट्टेदारक को ऑनलाइन किस्त जमा करने की व्यवस्था है मंथली और ये उसको भी ऑनलाइन किया गया है। साथ साथ हम लोगों की विभागीय वेबसाइट पर हर एक जनपद की समस्त मिनरल प्रोफाइल की डिटेल दिया हुआ है कि खदानें कौन कौन सी है, पट्टेदारक का नाम, नंबर, खनिज का मूल्य, मात्रा सब दिया है बट वो विभागीय पोर्टल में। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और RFID हम लोग 20-35 हज़ार गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन किया वो एक अलग पोर्टल पर है और उनको RFID लगाने का एक सेपरेट है। तो हाँ कोशिश ये किया गया है कि ये 100 जगह जो चीजें हैं इसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए ताकि एक गेटवे में आने के बाद लोग फिर आगे उनका जो भी पर्पस होगा वो अचीव कर दें। तो ये जो ऑनलाइन सर्विसेज वाला जो कॉम्पोनेंट है खनिज विभाग से जितने पट्टे परमिशन लीज दिया जाता है वो सब ऑनलाइन सर्विस के तौर पर देने के लिए 2-3 निर्देश तो DMs को ऑलरेडी जारी है डायरेक्टरेट से मित्रा के नाम से, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज का मेन पर्पस तो ये था मगर जब हम लोग रेगुलर ग्रांट माननीय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस है खनिज मंत्री के तौर पे दो प्रमुख चीजें हैं हमेशा की जिसपे वो फोकस करते हैं, एक अवैध ना हो और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वेल हो। लीगल माइनिंग को फैसिलिटेट करना जरूरी है, जनपद के कोई भी माइनिंग एरिया रिक्त न रहे, रिक्त रहने से राजस्व में नुकसान है साथ साथ अवैध खनन को भी बढ़ावा मिलता है। तो हाउ टू फैसिलिटेट विशेष निर्देश अनुसार हम लोगों ने कोविड काल में ही जारी किया था, हालांकि ये हमारे 2017 की खनिज नीति का भी हिस्सा है ऑलरेडी, उसमें ये दिया हुआ है खनिज नीति में कि अगर दीर्घकालीन व्यवस्था में संभव नहीं है तो शॉर्ट टर्म सेटलमेंट ऑफ पट्टा किया जाए। सीएम सर की विशेष फोकस ये है कि जो पट्टे हमें एक बार ऑक्शन कर दिया पट्टेदार भागे पैसा नहीं दे रहा है, क्षेत्र रिक्त पड़ा हुआ है, निकम पड़ा हुआ है, ऐसे एरियाओं को पहले फेज पर बटोर के उसकी शॉर्ट टर्म टेंडरिंग किया जाए। मंशा इतना ही है कि एरिया रिक्त ना रहे, रिक्त रहने से बगल की पट्टेदार उसको खोदेगा, अवैध खनन होगा और अगर रॉयल्टी भी हमको मिले तभी हमको फायदा ही है, एरिया वेकेंट रहने से तो अच्छा।